जय हिंद। नमस्कार ऑपरेटर साथियों, मैं बब्लू कुमार, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का संस्थापक। साथियों, आप लोग से एक आज अपील करने आए हैं। जब आपका मालिक या कंपनी या ठेकेदार अगर आपका वेतन नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और एक बहुत बड़ा कंप्लेन आया है मेरे पास। एक कंप्लेन जो भाई है, ऑपरेटर है, इनका नाम है चंद्रशेखर प्रसाद पटेल, यह रहने वाले हैं सीधी जिला के मध्य प्रदेश के। यह काम करते थे मंटोवनी DI धरती प्राइवेट लिमिटेड, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह कंपनी इनको 6 महीना काम कराकर 1,20,000 रुपया नहीं दी है। जो ऑपरेटर थे अकेला क्या करेंगे, ये चले गए लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर के पास चले गए थे, अमरेली गुजरात जिला अमरेली जो लेबर कोर्ट है उनके वहाँ पर चले गए थे। लेकिन वहाँ पर इनको बोले थे कि आप जो भी कंप्लेन है आप कंप्लेन दर्ज कर दीजिए और आप चला जाइए। ये कंप्लेन दर्ज भी कर दिए, और इनका देखिए यहाँ पर एक कंप्लेन हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो गुजरात का गुजराती में यहाँ पर लिखा गया है, मोहर स्टाम्प है लेबर कमिश्नर का। ये 2 दिन पर या 1 हफ्ता पर दौड़ते रहे वहाँ पर, दौड़ने के बावजूद भी इनको वहाँ से न्याय नहीं मिला। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं, जब आप लेबर कोर्ट एक मजदूर को न्याय दिलाने के लिए बनाई है तो आप उनको न्याय वहाँ पर क्यों नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और हम सबको जितने भारत के ऑपरेटर हैं लेबर कोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर लेबर जो कोई भी अगर ऑपरेटर जिनको जानकारी नहीं है संस्था के बारे में, अगर वो लेबर कोर्ट में जा रहे हैं तो उनको वहाँ से न्याय क्यों नहीं मिलता है, या कोई भी मजदूर को लेबर कोर्ट क्यों बनाया गया है। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो बंद कर दीजिए लेबर कोर्ट। और जो आप लोग ऑनलाइन एक सिस्टम रखे हैं कि आप ऑनलाइन आप कंप्लेन दर्ज करिए, कुछ नहीं हो रहा है। हम दर्ज करके भी देख लिए थे एक ऑपरेटर को जो संस्था से नहीं जुड़ा था, कुछ वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है। खाली वहाँ से यही फ़ोन करने पर यही आदेश आता है कि आप वेट करिए, रुकिए, वेट करिए, रुकिए। बताइए क्या करेंगे वो ऑपरेटर, भीख मांगेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। कोई वहाँ पर जुर्म किए हैं या आतंकवादी हैं वो, कि भारत देश के नहीं हैं। देखिए सर से ऊपर पानी बह रहा है। और जब हम सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप लेबर कोर्ट सुधारिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगी जिस दिन भारत के समस्त ऑपरेटरगण सड़क पर होंगे। उस दिन आप यह ना बोलें कि आप सड़क पर क्यों हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और हम झारखंड सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आप झारखंड में सबसे अधिक ऑपरेटर झारखंड से आते हैं, लगभग वहाँ पर 5 लाख ऑपरेटर झारखंड से आते हैं, लेकिन उनके लिए उनके राज्य में कोई सुविधा नहीं है। और इनका जो कंप्लेन था इनको 2 महीना दोहराया गया, उसके बाद ये कल मेरा नंबर इनको फेसबुक पर मिला या कहीं नंबर मिला होगा, फेसबुक में कोई भी पोस्ट में हम डाले होंगे तो ये नंबर मिला हमारे पास, ये फ़ोन किए थे। फ़ोन करने के बाद पूरा डिटेल्स बताया, हम इनसे 20 मिनट बात भी किए। 20 मिनट बात करने के बाद ये बोले कि भैया हम इनको एक आश्वासन जरूर दिए कि आप देखिए पहला काम करिए, आप एक संस्था को लेटर लिखिए, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को लेटर लिखिए, जो भी होगा हम देखेंगे और जितना हमसे होगा हम जरूर पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका वेतन निकले, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा।
ये नहीं कि हम लड़ें और कोई भी ऑपरेटर किसी ऑपरेटर का बताते हैं, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं संस्था के पास तो आप भी साथ दीजिए संस्था को। अगर आप संस्था को साथ नहीं दीजिएगा तो संस्था अकेला नहीं लड़ सकती है। हम सभी भारत के ऑपरेटर से कहना चाहते हैं, और क्या आपको एक समान वेतन नहीं चाहिए? हम भारत के सभी ऑपरेटर से पूछना चाहते हैं, क्या आपको एक समान वेतन नहीं चाहिए? क्या आपको एक सही समय से वेतन नहीं चाहिए? क्या आप जब दुर्घटना हो रहा है तो उस वक्त उनके परिवार को, आपके परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? कब लोग जागिएगा? कब तक सोए रहेंगे ऑपरेटर? जागने का वक्त आ गया है, जागिए और साथ दीजिए। जब तक भारत के समस्त ऑपरेटर एक नहीं होते हैं, जब तक शोषण और अत्याचार होते ही रहेगा। जिस दिन एक हो जाएंगे ऑपरेटर, समान वेतन भी मिलेगा और सही जो टाइम टू टाइम वेतन मिलता है वो टाइम टू टाइम वेतन भी मिलेगा, और दुर्घटना होने पर 10 लाख आपके परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। झारखंड का मीटिंग में हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर एक जो परिवार थे, कमरुद्दीन के परिवार, जिनका देहांत हो गया था कमरुद्दीन का मिजोरम में, तो उनके परिवार को संस्था की तरफ से 25,000 रुपया मुआवजा भी दिया गया था। और जो मीटिंग में हम बंगाल के मीटिंग में गए थे, झारखंड के मीटिंग में गए थे, तो सभी ऑपरेटर 100-200 रुपया जो नकद जमा किए थे वो पूरा मिलाकर 2600 रुपये नकद भी उनका परिवार को दिया गया। अगर आप पहला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। और Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। देखिए ये है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का, यहाँ पर यह हम आप लोगों को पोस्ट डाल दिए हैं, लेकिन हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके परिवार का, उनके माता जी का सिग्नेचर है, और यहाँ पर जो भी वहाँ पर उपस्थित थे एमडी तस्लीम, एमडी अनवर, सुल्तान अहमद, मिथिलेश कुमार ऑपरेटर लिख दिए हैं, और मकसूद आलम, और हम खुद अब वहाँ पर उपस्थित थे। और इनके परिवार को संस्था द्वारा जो जितना भी सहायता हुआ उतना सहायता जरूर किए, और आने वाले भविष्य में इनके परिवार को 7 संस्था खड़ी है। और हम एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं, जब भी आप कहीं पर भी काम करिए आप लोग, किसी मालिक के पास, कंपनी के पास, ठेकेदार के पास, हम ये पहला बार नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले भी हम वीडियो में बताए हैं, आप कहीं पर भी काम करिए मालिक का नाम, पता, पूरा एड्रेस अपना पास जरूर रखिए। और जहाँ पर काम करें वो पहले पता लगाइए 10 दिन में कि मालिक का घर कहाँ पड़ेगा, उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ेगा, इसका ज़िला कहाँ पड़ेगा, इसका स्टेट कौन सा है, ठीक। अगर ठेकेदार के पास भी काम करें तो यही काम करिए, अगर कंपनी के पास काम करें तो कंपनी का भी एड्रेस पूरा पता करिए कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आप किस दिनांक से, आप किस तिथि से वहाँ पर, तारीख से काम कर रहे हैं, किस कितना तारीख तक काम किए हैं, कितना आपका पेमेंट था, कितना पेमेंट मिला है, कितना पेमेंट बकाया है, हमेशा अपना एक डायरी में नोट करते रहिए। और एक बात और बता देते हैं, जब भी आप मशीन छोड़िए, मशीन छोड़ने से पहले आप अगर संस्था से जुड़े हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का आईडी कार्ड बनवाए हैं, तो आप पहले संस्था को जरूर इन्फॉर्म जरूर करिए, ताकि संस्था आपका जल्दी मदद करे। अगर आप मशीन छोड़ के घर पर आते हैं तो आपका वेतन निकलवाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अगर पहले ही हमको सूचना देते हैं संस्था को, तो आपका जो काम है जो 15 दिन में होने वाला है वो आपका काम 3 दिन में होगा। इसलिए आप सपोर्ट करिए संस्था का, रूल्स फॉलो करिए।
साथ दीजिए, और रोजगार ऐप्स, ऑपरेटर रोजगार ऐप्स, ये आप पहले भी वीडियो में बताए थे और आप लोग का सबका मन में सवाल चल आप सभी का मन में सवाल चलता है कि यह रोजगार ऐप्स कब आएगा, ये लॉन्च कब किया जाएगा। तो हम बता देना चाहते हैं ये रोजगार ऐप्स आपको लॉन्च किया जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसमें सहयोग थोड़ा कम पड़ रहा है। और हम आप सभी से अपील करेंगे, समस्त ऑपरेटरगण से, कि अगर ये रोजगार ऐप्स आ रहा है तो हर ऑपरेटर को सुविधा मिलेगा, जिनके पास आईडी कार्ड है या नहीं है सबको सुविधा मिलेगा। और रोजगार ऐप्स लाने के लिए आपको जितना आपसे सक्षम है आप सहयोग जरूर करिए, जितना आप सक्षम है जरूर सहयोग करिए, ठीक। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग मेरा वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑपरेटर के पास पहुँचे, और जब तक ये वीडियो ऑपरेटर के पास नहीं पहुँचेगा जब तक ऑपरेटर जागरूक नहीं होंगे, ना समझ पाएंगे संस्था के बारे में। और ये जो संस्था बना है इसका डिटेल्स थोड़ा मैं बता देते हैं। इस संस्था का नाम, पूरा नाम है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। इसका फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब, चार सोशल मीडिया पर ये एक्टिव है। उसके बाद आपको इसका वेबसाइट भी है www.oesfin। अगर इसका ऑफिस कहाँ पर है आप लोकेशन में जाके मैप में पता कर सकते हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन सर्च करके। और यह एक भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप जाके mca.com पर जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो सरकारी वेबसाइट है सरकार का, उनके वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट जो ये जो संस्था है ये फेक है या ओरिजिनल है, आपको पता लग जाएगा। और आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, साथ चलिए, एकता ही बल है। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।